ये हमारा पहला दिन है कोची में और हम फोर्ट कोची से एक ड्राई रन कर रहे हैं ENS कलारी की तरफ, ये देखने के लिए कि जब हमको डेली कम्यूट करना होगा तो ये रूट कैसा रहेगा। और इस समय जब से हम आए हैं कल शाम से कंटिन्यूस बारिश हो रही है और अगले दो तीन दिन भी ऐसी बारिश होती रहेगी। तो ये ड्राई रन है, आज संडे है, सेंटर बंद है, लेकिन एक बार जाकर हम देखना चाहते हैं कि सेंटर कैसा दिखता है और रूट कैसा है। अच्छा, बारिश भी आज पूरा इम्तिहान ले रही है, लेकिन अच्छा है, रोज हमें ऐसा ही मौसम अगले एक दो दिन तो कम से कम मिलेगा। बाहर का हाल कुछ इस तरह से है। नेत्रा जी पूरा रेडी है अपना रेनकोट पहन के, नकुल जी ने भी जैसा देश वैसा फेस, वेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। तो ये टेक्निक मुझे फिरोज ने बताई है, यहाँ पे हमारे साथ फिरोज जो है, कि ये तरीका है, अगर आपके पास एक साइड खुली रहती है तो उसको छतरी से बंद कर दिया जाता है, दूसरी तरफ इन्होंने तरपाल लगाया हुआ है। आया मजा रतुल? अच्छा नेत्रा की कर से बंद कर। नेत्रा, हिंदी में ना एक कहावत है कि सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए, ठीक है? तो मैंने सर मुंडवाया लेकिन ओले तो नहीं पड़ रहे हैं, बारिश जबरदस्त हो रही है, ओले तो नहीं पड़ेंगे यहाँ पे। ओले क्या होते हैं? ओले बर्फ गिरती है ना, वो बोल बोल से गिरते हैं ओले वहाँ पे। हाँ तो लेकिन ये पानी है, फिर जब लगो तो साइड हो, जब ये आइस बन जाती है ना, छोटे छोटे गोले बन जाते हैं, उसको ओले कहते हैं। तो हिंदी में कहावत है कि सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए, यानी कि आप कोई काम करने गए और जाते ही काम बिगड़ गया। और ये हम आज अपनी डेली ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं और ड्राई रन कर रहे हैं और बरसात हमारा पूरा पूरा इम्तिहान ले रही है, और बरसात के साथ नकुल जी भी पूरा पूरा इम्तिहान ले रहे हैं। तेरा तू तेरा कहाँ आ रहा है यार? नेत्रा की तरफ एक बरसात और एक नकुल, दोनों है ना यार, इन दोनों को घर छोड़ के आएंगे अगली बार, है ना? नेत्रा इसको घर छोड़ के आना चाहिए ना, बहुत परेशान करता है यार ये। ये नेवी की फोटो है, नेवी की फोटो है, वो पेट्रोल फोटो है। दिस इज केरला फोकलोर म्यूजियम, इधर ये जैसे पुरानी बिल्डिंग बनी ना, ये दिस इज फोकलोर म्यूजियम, वेलकम हियर ऑल्सो। See, today is Sunday, no? So they had told us it will be closed. But let's see if there is an office or something. It's fully closed. Okay. Wait, beta. कहाँ जा रहा है नकुल? वेयर? दिस इज अ हाउस सर। दिस इज अ हाउस। नेत्रा, यस, ये है आपका ENS कलारी का जो अपना स्कूल है, सर से मिले थे ना अभी हम, यहाँ आप आओगे, मेरे ख्याल से ये क्लासरूम है इधर, कल से आपका फर्स्ट क्लास आपकी कल शुरू होगी। वेयर आर वी? म्यूजियम। ओके, दिस इज द केरला फोकलोर म्यूजियम। आई डिडंट शूट आउटसाइड, इट वाज रेनिंग, वंस आई गो आउट फ्रॉम हियर देन वी विल सी द एक्सटीरियर। तो यहाँ पर केरला के कई रीजन्स की जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो डिस्प्ले पे लगाए गए हैं। तो जो ENS कलारी से फोर्ट कोची का रास्ता है उसके बीच में ये फोकलोर म्यूजियम आता है। तो बारिश भी बहुत हो रही थी और हम देखना भी चाहते थे, तो यहाँ से अपना टूर शुरू करेंगे। ये गरुड़ा है, ये भी एक सेम नेत्रा गरुड़ा, और ये क्या है? ये स्नेक है। व्हाई व्हाई यू वांट टू डू दैट? करो थोड़ा सा टच कर, बस 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 बस, ये वो नहीं है ये। हाँ हाँ, दिस इज नरसिम्हा, मुझे पता है ये नरसिम्हा है, ये अवतार नरसिम्हा अवतार, मत कर नकुल, डोंट प्लीज डोंट डू दैट। ये सुनो पहले, ये देखो पहले आप, ये भगवान विष्णु के अवतार हैं नरसिम्हा। ये अलग अलग मटेरियल है ना, ये लकड़ी है, ये सब नहीं नहीं इधर, ये मेरे ख्याल से
ये अलग मटेरियल है, वो अलग है। और ये जो है ये पालकी है 19th सेंचुरी की, केरला की। हाँ ये है मुखलिंग और ये हैं लॉर्ड गणेशा। गेबल मुखप्पू मटेरियल वुड, ये लकड़ी का बना हुआ सब, बड़े आराम से देखो ना 15th सेंचुरी का है, ये लकड़ी का पूरा। Thank you so much. Thank you. सीलिंग है वो 60 टन्स की, जिसमें सब वो फिगर्स बने हुए हैं रामायण और महाभारत के। ये जो सीलिंग है ना, इसको देखो, इसमें फिगर्स बने हुए हैं। नेत्रा नेत्रा मैम इधर इधर ये देखिए आगे फिर से देखनी है टेंपल ज्वेलरी और क्या सुंदर। ये हमको चाहिए थी ना, तो फटाक से मिल गई सामने अभी। ब्लैक कलर तो ब्लैक नहीं, वो ग्रीन वाली बहुत अच्छी है। हाँ ग्रीन ग्रीन नहीं ली तूने? कौन सा ग्रीन ली? क्या तो ये है आपकी
ब्लैक कलर तो ब्लैक नहीं वो ग्रीन वाली बहुत अच्छी है। हाँ ग्रीन ग्रीन नहीं ली तूने? कौन सा ग्रीन ली? कैसा लगा आपको? अच्छा मम्मा को तो बहुत अच्छा लगा। नहीं क्योंकि मम्मा को साड़ी भी नहीं था अपनी। नहीं किया नकुल नहीं किया यार तू। अरे नहीं अच्छी ट्रेडिशनल अच्छी कलेक्शन थी उनकी। तो केरला फोक म्यूजिक कैसा लगा आपको? सबसे अच्छा किसको लगा? क्या लिया मैडम आपने? दिखाइए जरा आपने ट्रेडिशनल साड़ी ली है जो। ओके तो ये है आपकी। अच्छा इसको लेकिन तेरे को यही प्रिपेयर करवाना पड़ेगा ना? जैसे स्टाइलिंग इसकी है वैसे करके अपना केला से रिपोर्ट होना चाहिए। अच्छा नेत्रा जी नाराज लग रही थोड़ी सी। नेत्रा को नेत्रा को मिला नहीं वहाँ पे अपना तो अभी नेत्रा को लेके देंगे ठीक है। केला वाली जो फ्रॉक है और मैं कह लूँगा ठीक है मैं भी लूँगा अभी। तो अब हम आ गए हैं ज्यू मार्केट राइट। और यहाँ ज्यू मार्केट ज्यू मार्केट और यहाँ पर अभी हम अपना वी गो टू द सिनेगॉग एंड लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग फोटोग्राफी हियर लेट्स सी। ये लो जी यहाँ तो आते ही बारिश शुरू हो गई। अर्पित मित्रा कहाँ पे हो आप? पता है आपको ज्यू टाउन बस ओके ऑल राइट चलो फिर लेट्स गो। एकदम से बारिश आ रही है रुकने का नाम नहीं लेगी अभी ठीक है। मुझे लगता है ये रात तक होती रहेगी। मुझे तो यही लगता है तो रुकी के फिर चार्ज हो जाएगा ऐसे ही हो रहा है हमारे साथ कभी रुकती है कभी चार्ज हो जाती है। ये आज यू टाउन का हाल है। तू नजर रखना अपना यहाँ हरप्रीत जी को यहाँ भी शॉपिंग करने की इनकी शॉपिंग लिस्ट है। मेरी तो भी शॉपिंग हाँ नेत्रा जी की भी है। नेत्रा जी की भी है अच्छा तेरी भी है सबकी है पापा की भी है। ओके लेट्स सी ये पता लगेगा किसको मिल। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी शॉप खुली हुई लेट्स सी ये सामने साइना कॉक आ गया मेरे ख्याल से। तो दिस इज पारदेसी सिनेगॉग और ये मेरे ख्याल से बंद है। तो टुडे इज ज्यूइश हॉलीडे ज्यूइश हॉलीडे है बंद है आज। हाँ जी नकुल आया ना उनको पता है यार ये आपकी मर्जी थोड़ी चलेगी। तो ये आज हमारा पहला दिन का एक ट्रायल रन रहा किलारी सेंटर का और थोड़ा और चीज़ें हम घूम के आए हैं यहाँ आसपास फोर्ट कोची और दो तीन जगह आसपास की जिसमें कि वो एक अपना केरला का फोकलोर म्यूज़ियम भी था और ये हमारा होमस्टे है जहाँ हम रह रहे हैं। यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहूँगा। तो ये हमारी बालकनी है और आप पीछे देखेंगे कि टेरेस के ऊपर यहाँ ज़्यादातर ये एनक्लोज्ड एरिया है। आज दिन भर यहाँ बारिश होती रही है और ये जो एनक्लोज्ड एरियाज हैं यहाँ पर हर घर के ऊपर ये बना हुआ है टेरेस के ऊपर उसे ये एक यहाँ ट्रेडिशनल हाउस है स्ट्रीट हमारी। और यहाँ भी आप देखेंगे जहाँ भी आप देखेंगे हर घर की छत के ऊपर ये इन्होंने एनक्लोज्ड एरिया बनाया हुआ है जहाँ बरसात में कपड़े सुखाने की सहूलियत हो जाती है। तो कपड़े सुखाने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है और शायद गर्मियों में भी यहाँ राहत मिलती होगी। चारों तरफ से जाली लगी हुई है ऊपर टेरेस के ऊपर। तो आज फोर्ट कोची में पहला दिन काफ़ी इवेंटफुल रहा। बच्चों का किलारी स्कूल देखा बारिश ने भी अपना पूरा जोर दिखाया। चलते फिरते फोकलोर म्यूजियम भी देख लिया। आसपास की जो इम्पोर्टेंट जगह हैं उन्हें दूर से देखा है आज धीरे धीरे उन्हें एक्सप्लोर करेंगे। और करते कराते अब टाइम हो चुका है डिनर का। तो फोर्ट कोची में रेस्टोरेंट्स की कोई कमी नहीं है लेकिन जहाँ तक रही बात
वेज फैमिली रेस्टोरेंट्स की, तो उसकी ऑप्शन थोड़ी सी लिमिटेड है। डिनर का टाइम हो चुका है, गूगल की रिकमेंडेशन में पास ही एक रेस्टोरेंट है, वहाँ जा रहे हैं। तो अब आपसे मुलाकात होगी कल सुबह। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। सी यू टुमारो।